एक दोस्त आता है एक दिन अचानक से आपके पास और आके बोलता है यार ये बड़ा अच्छा बिजनेस है ट्रेडिंग क्यों नहीं करता तू तो? पच्चीस लाख रुपये मैंने वहाँ पर बर्बाद कर ली है आखिर में आके मुझे वहाँ पर सरेंडर करना पड़ा और जब तक मैंने सरेंडर किया तो मेरे ऊपर कोई तीस पैंतीस लाख रुपए के आसपास सब मिला के डेट दोबारा से चढ़ चुका था फिर मैंने कुछ फंड और अरेंज किया जब लोन हो ही चुका था काफ़ी तो मुझे लगा क्यों ना पाँच सात लाख और एक लोन लेके एक बार अब और ट्राई करूँ आप लोगों के हिसाब से एक मिडिल क्लास एक लोअर मिडिल क्लास किसी भी लड़के के लिए उसके घर वाले उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं खास तौर से उसकी माँ और उसकी फैमिली पूरी फैमिली को एक उम्मीद होती है कि ये एक आगे निकलेगा पढ़ेगा और एक हमें स्टेबल लाइफ देगा मैंने उन उम्मीदों को लगातार पूरा भी किया और लगातार तोड़ा भी अब आप समझेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार पूरा भी किया और तोड़ा भी तो ये अब हम अपनी आगे जर्नी में देखेंगे हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है कपिल धामा और मैं दिल्ली में रहता हूँ मेरा जन्म हुआ मेरठ के गाँव में और मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही तीन साल के आसपास मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो so, मेरी बुआ जी उस समय दिल्ली में रहा करती थी तो उन्होंने बोला कि हम उसको अपने साथ रख के पढ़ा सकते हैं तो बहुत अलग अलग जगहों पर रह के और गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ते हुए आगे आया फिर जर्नी स्टार्ट होती है जॉब की जॉब की जर्नी मैंने स्टार्ट की एडलेट्स से एडलेट्स का आपने नाम सुना होगा थिएटर चैन उनकी पहले हुआ करती थी तो so, सब कुछ अच्छा चल रहा था एक साल सात महीना कुल मिला के मैंने नौकरी की और बहुत अच्छी की ऐसा नहीं और जब मैंने जॉब क्विट किया दो में तो मेरा अच्छा खासा पैकेज था कोई आठ लाख रुपये के आसपास उस रिसेशन में जब लोग नौकरी बचा रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं शायद मैं इससे बेटर कर सकता हूँ कुछ सेविंग्स थी मेरे पास उन सेविंग्स को लेके कोई अस्सी नब्बे हज़ार रुपये और मैं मुखर्जी नगर जा पहुँचा केवल मात्र अस्सी नब्बे हज़ार पी और मेरा जो सेविंग्स था वो सब मिला के मुखर्जी नगर में जाने के बाद मुझे केवल तीन या साढ़े तीन महीने मिले पहले प्रलिम्स के एग्ज़ाम के लिए नौ फरवरी से लेकर सत्रह मई तक उस दौरान मैंने पूरा दिन रात जितना मेरे से हो सकता था अट्ठारह से बीस घंटा पूरा पढ़ाई की चार घंटे शायद ही मैं उसमें सो और इवन प्रलिम्स के बाद मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा मेरी आईज की वेंस खिंच गई थी कि कम सोने की वजह से ऐसा हुआ है और वो प्रिलिम्स आई थिंक मेरा कोई सात या आठ मैक्सिमम सात या आठ मार्क्स से मेरा प्रेम्स रुका फिर मेरी माता जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी मतलब कि उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के और मुझे हिम्मत दी कि नहीं नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है तो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो पास हो जाएगा डोंट वरी तो मैंने उस साल भी उसको क्वालिफ़ाई किया फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया मेंस भी क्वालिफाई किया इंटरव्यू तक गया मैं तो 2012 के अप्रैल के आसपास मेरा इंटरव्यू था के के पोल इंटरव्यू बोर्ड में था जो पूर्व दिल्ली के कमिश्नर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हार्ड हार्डलग यहाँ भी मेरे साथ रहा और नो, मा, नो थे, मार्क नो नंबर से नाइन मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन आई एस में नहीं हो पाया और माता जी तब भी मेरे साथ खड़ी थी बट अब मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी डमाडोल कंडीशन में आ गई थी फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक सेंटर डाल सकता हूँ एग्ज़ाम सेंटर सो so, मैंने फिर से लोन लिए पहले मैंने एजुकेशन के दौरान लोन लिए थे अपने पढ़ाई के दौरान फिर मैंने फिर से एक बार लोन्स लिए जानने वालों से रिलेटिव से फ्रेंड से जो अच्छे सेटल थे उन दोस्तों से सेंटर स्टार्ट किया थोड़ा शुरू में स्ट्रगल आए लेकिन अल्टीमेटली वो चल पड़ा माता जी फिर मेरी एक बार फिर से बहुत खुश थी जैसा कि होना भी चाहिए कि चलो अब सेटल हो गया है फिर से मैंने उस सेंटर में अच्छा पैसा बनाया उस दौरान सेंटर से मैंने डेढ़ करोड़ के आसपास पैसा बनाया और ये बहुत अच्छा अमाउंट था उस टाइम पे 2017 और 18 के बीच में जो पैसा कमाया था उससे मैंने कोई 60-70 लाख रुपए का अपना फ्लैट खरीद लिया गाजियाबाद में जो अभी भी है जिसमें मैं रहता हूँ एक मैंने गाड़ी ले ली सत्रह साढ़े सत्रह लाख के आसपास कुछ पैसा जीवन में जीने में खर्च हो गया तो कुल मिला के ज्यादा सेविंग्स नहीं बचे और सेंट्रल डिक्लाइन में था तो उसको सस्टेन कराने के लिए कुछ पैसा खर्च होना शुरू हो गया अब जर्नी आती है कि मैं अगर एक चीज़ डिक्लाइन में जा रही है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ समय से पहले मैं एक दूसरी फील्ड में कुछ ना कुछ अपने हाथ आजमा लूँ तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और जैसा बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी अपनी जर्नी एक दोस्त आता है एक दिन अचानक से आपके पास और आके बोलता है यार ये बड़ा अच्छा बिजनेस है ट्रेडिंग क्यों तो नहीं करता तू तो? मैंने बोला ठीक है तो मेरे पास कुल मिला के उस टाइम पे जो सेविंग्स बचे होंगे कोई चौबीस पच्चीस लाख के आसपास जो मैंने सब बताया जो कमाया था उसे घर ले लिया एक गाड़ी ले ली कुछ खर्चे हो गए उतना सेविंग्स मेरे पास था पच्चीस लाख के आसपास और वो लास्ट अमाउंट था जो मेरे पास बचा था तो मुझे लग रहा था सफिशेंट है कोई दिक्कत नहीं है मैंने दोस्त के बोलने पे पाँच लाख रुपए से एक नया अकाउंट स्टार्ट करके डिमिट अकाउंट ओपन किया और पाँच लाख रुपए अकाउंट में डाले और ट्रेडिंग स्टार्ट की मतलब उसके सजेशंस पे जैसा हर कोई करता शुरू में मुझे तो नहीं पता था ट्रेडिंग में क्या होता है और मेरा पहला ही जो ट्रेड था वो था बैंक निफ्टी ओवरनाइट पुट शॉर्ट ऑप्शन में आई थिंक पूरे स्टॉक मार्केट में ये सबसे रिस्की टाइप का ट्रेडिंग माना जाता है कि आप ओवरनाइट शॉर्ट कर रहे हो बैंक निफ्टी को पुट ऑप्शन वो मेरा पहला ट्रेड था किस्मत को लेकिन कुछ और ही मंजूर था और वो पाँच लाख रुपए कोई डेढ़ महीने में जीरो ठीक मुझे थोड़ा लगा कि यार पाँच लाख रुपये चले गए अब पच्चीस में से पाँच और चले गए तो बीस बचे मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं रिकवर कर लेंगे जैसा हर ट्रेडर के साथ यही होता है वो अर्ली लॉस करता है और फिर उसे क्या लगता है मैं एकदम रिकवरी कर लूँगा तो मुझे भी ऐसा लगा रिकवरी हो जाएगी दोस्त ने बोला रहे कोई बात नहीं होता रहता रिकवरी हो जाएगी मुझे लगा ओके मैंने फिर से एक पाँच लाख रुपये अकाउंट में डाले कि भाई एक पाँच लाख रुपये और ट्राई करता दो वो पाँच लाख रुपये फिर से चले गए तो कुल मिला अब तक दस लाख रुपये जा चुके थे और महीने हुए थे केवल चार चार महीने में आपने दस लाख रुपये खो दिए पच्चीस लाख का फोर्टी परसेंट कैपिटल आपने उड़ा दिया अब टेंशन स्टार्ट होती है क्यों क्योंकि जब पैसा जाता है ट्रेडिंग में खाली पैसा नहीं जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेके जाता है और अगर आपका कॉन्फिडेंस ही चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर से मैंने पांच लाख और डाले मुझे लगा कि अगर पैसा जाना ही है या जा ही रहा है तो मैं मेरी समझ से ट्राई करता हूँ मैं दोस्त की समझ को छोड़ देता हूँ मुझे लगा दस लाख तो उसकी समझ से गया और मैं तो बहुत होशियार हूँ ऐसा लगा मुझे जैसा सभी को लगता है कि तो मुझे लगेगा एक अच्छा स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके आया आई की प्रिपरेशन की उसमें भी अच्छा किया बिजनेस किए वहाँ भी अच्छा किया तो कॉन्फिडेंस था तो मुझे लगा यार मैं ट्राई करता हूँ मैं तो कर ही लूँगा अब मैंने पाँच लाख डाले मेरे से भी खत्म हो गए तीसरे पाँच लाख मतलब टोटल मिला के फिगर हो गया पंद्रह लाख साल दो हज़ार उन्नीस अभी ख़त्म नहीं हुआ था ठीक अब मेरी टेंशन वहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हुई कि अब आगे क्या करना है फिर मुझे लगा नहीं नहीं कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है मैंने फिर जो बचा कैपिटल दस लाख सब इकट्ठा डाला मुझे लगा कभी ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लू जा रहा है तो मैंने मेरे बैंक सेविंग अकाउंट से जितना पैसा था वो मैंने सारा डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और किस्मत मेरी इतनी खराब थी इम्पल्सिव ट्रेड मैं करता चला गया रिकवरी के मोड में कि नहीं नहीं मैं रिकवर कर लूंगा और कर लूंगा और मैंने वो पैसा भी इस बाजार में गंवा दिया तो मैं मेरी जो सेविंग्स थी लास्ट मैं उनको डुबो चुका था दो के एंड तक आते आते स्टॉक मार्केट का यही प्रॉब्लम है आपके घर वाले भी आपके गेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तो जुआ है तो जब मैंने मेरे परिवार में बताया मेरे माता जी को तो उन्हें बड़ा शौक लगा कि सब तो अच्छा चल रहा था तो ये क्या ही जरूरत थी वहाँ पे पच्चीस लाख रुपये बर्बाद करने की और ये तो बहुत बुरा काम है इसमें तो घर भी बिक जाएगा तेरा घर है ये भी चला जाएगा उन्हें ऐसा लगा तो मैंने उन्हें भोट समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो मैं करूँगा अगर आगे करूँगा तो बहुत सेफ़ और बहुत कम कैपिटल से करूँगा क्योंकि बचा भी नहीं था टोटल मिला के मेरे अकाउंट में जो कैपिटल बचा था वो एक लाख सत्ताईस हज़ार रुपये जो लास्ट मेरे पास बचे थे तो मुझे लगा था मैं इससे चीज़ें ठीक कर लूँगा मार्च 2020 मैंने ट्रेडिंग में थोड़ा सा चलना ही सीखा था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था सेटबैक क्यों था क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो रेंटेड स्पेस में था और वैसे ही डिक्लाइनिंग मोड में था मेरा सेंटर का जो मंथली खर्चा था वो तीन लाख रुपए महीने के आसपास मुझे पड़ता था रेंटेड स्पेस था दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया में और स्टाफ भी था दो तीन लोगों का और बाकी मेंटेनेंस अब सेटबैक यहाँ से स्टार्ट होता है कि लॉकडाउन में स्टार्टिंग में एक महीने का लॉकडाउन दो महीने का तीन महीने का हम में और आपको किसी को नहीं पता था कितने दिन चलेगा मैं यही उम्मीद करता चला गया कि अब बंद हो जाएगा अब मेरा सेंटर चल जाएगा अब चल जाएगा ऐसे करते करते सात आठ महीने गुजर गए अब मेरे सामने सर्वाइवल का फिर से एक बार सर्वाइवल का सवाल आके खड़ा हो गया मुझे फिर से कुछ लोन्स लेने पड़े फैमिली से लोन लेने पड़े फ्रेंड से बैंक से वाइफ के नाम पे अपने नाम पे मतलब मैं जितने रिसोर्सेज से पैसे ले सकता था मैंने वो सब किया मेरे सेंटर को मैंने सर्वाइव कराने की बहुत कोशिश की ट्रेडिंग में उसके बाद मैंने नहीं खोया पैसा क्योंकि मैंने कैपिटल एकदम कम करके बहुत कम कैपिटल से मैं ट्रेड किया स्टार्टिंग में लेकिन मेरा जो टेंशन का जो सबसे बड़ा कारण था वो था मेरा सेंटर आखिर में आके मुझे वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा और जब तक मैंने सरेंडर किया तो मेरे ऊपर कोई तीस पैंतीस लाख रुपए के आसपास सब मिला के डेट दोबारा से चढ़ चुका था और ये अभी एक बड़ा अमाउंट था वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था और मतलब मैं दो दिन तक उसमें रोया घर पर कोई बात नहीं फिर से मेरी माता जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने फिर से मुझे उम्मीद दी कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है मतलब उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ा जो मैंने पैसे बर्बाद किए थे उन्हें लगा कि अगर मैं ही उससे नाराज रहूँगी तो वो परेशान रहेगा तो फिर मैंने स्टार्ट की जर्नी दोबारा से स्टॉक मार्केट में कि नहीं नहीं कर रहा था ट्रेडिंग पर मैं बहुत थोड़ी थोड़ी एक लाख रुपए रखता था अकाउंट में उस समय पे मार्जिन मिला करते थे टेन एक्स तो उससे थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग चल रहा था बट मैं लॉस में नहीं था लॉस करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना स्टार्ट किया था फिर मैंने कुछ फंड और अरेंज किया जब लोन हो ही चुका था काफी तो मुझे लगा क्यों न पाँच सात लाख और एक लोन लेके एक बार अब और ट्राई करूँ एक ट्राई मारता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट ऐसे तो नहीं जाऊँगा दिक्कत पैसे की वहां पे मतलब मार्केट में जो गया जो जीवन में समस्या चली गई तो चली रही थी दिक्कत वहां पे ये थी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं फेल हो रहा हूँ और मैं यहाँ फेल क्यों हो रहा हूँ मैं फेल नहीं होऊँगा मतलब मैंने तय कर लिया था मैं इस बाजार में फेल तो नहीं होगा मैं फेलियर का ठप्पा लगा के नहीं जाऊँगा अब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की सितंबर या अक्टूबर के आसपास 2020 में कि अब मैं इसको फुल फ्लेज एज ए बिजनेस करूंगा अब जब मैंने इसको दिमाग में लगाया कि एज ए बिजनेस मुझे इसको करना है तब जो मैं जो मैंने पहले गलतियाँ की गैम्बलिंग की तरह जो मैं ट्रेड करता था वो मैंने बंद किए मैंने एक छोटे कैपिटल से सात आठ लाख रुपये जो अरेंज किया इधर उधर से मैंने उसे स्टार्ट किया तभी अक्टूबर एक अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्री से मार्जिनस कम होने स्टार्ट हो गए उसके बाद से मार्जिन के स्लैब धीरे 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 कम होने लगे लेकिन अगले साल तक चलते रहे तो मार्जिन मिलता रहा तो वो कैपिटल को वो तीस पैंतीस लाख हो जाता था मार्जिन मिल के तो मैंने वहाँ से अपना कैपिटल बिल्डअप करना स्टार्ट किया और धीरे 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 मैंने ट्रेडिंग में अच्छा किया फिर बुलरन आया दो में तो मैंने उसमें ठीक ठाक पैसा बनाया अब जाके दो आ गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टेबिलिटी पर पहुँच गया हूँ क्योंकि मैंने इस पिछले दो साल के दौरान एक अच्छा खासा कॉर्पस और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया सो so, अभी नेटवर्थ मिला के मैं कोई चार करोड़ के आसपास मेरा सब है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ और जो बैंक में कुछ एफ भी हैं मेरी मम्मी को एफ बहुत पसंद है तो उनका कहना है हमेशा एफ ज़रूर होनी चाहिए तो कुछ मेरा कैपिटल एफ में भी है और कुछ मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो अब मेरी माता मेरे से खुश हैं और मुझे भी लगता है कि मैंने फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद कि मैंने उनको अच्छे दिन भी दिखाए बुरे दिन भी दिखाए जैसे मैंने आपको पहले ही बोला एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि बेटा उनका अपलिफ्ट करेगा बट मेरी इस पूरी जर्नी में उतार उतार चढ़ाव थोड़े ज़्यादा रहे बट थैंक गॉड उस पूरी जर्नी में मेरी माता ने मेरा कहीं साथ नहीं छोड़ा और चट्टान की तरह मेरे पीछे वो हमेशा बन के खड़ी रही सो मेरे जीवन में जो मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखी वो ये कि आपका समय चाहे अच्छा चले चाहे बुरा जीवन अपने पेस पे चलेगा और आपको उससे परेशान नहीं होना है उससे मुझे किस्सा याद आता है अकबर बीरबल का एक बार अकबर अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल दीवार पे कुछ ऐसा लिख दो कि जब मैं उसको दुख में पढ़ूं तो मुझे खुशी हो और जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो मुझे दुख हो तो बीरबल ने एक छोटी सी लाइन लिखी कि ये समय बीत जाएगा आप जो खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ोगे तो खुशी होगा। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट हो या फिर स्टॉक एनालिसिस करना या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप यहाँ पर आपको मिलती है फर्सलाइज फिजिक्स यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में देर किस बात की अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम